इकॉनमी आपकी जीरो, आप मांग मांग के कंट्री लोगों से मांग मांग के चल रहे हैं, कभी आप कराची बेचने की कोशिश करते हैं चाइना के सामने। सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कुछ एक्शन हो टू टेक एडवांटेज। मुल्क बचाने की सकत है तो बचाएं, तो नहीं तो फिर अफगानिस्तान है, फिर वो कहते हैं कि अफगानिस्तान भी तो है ही ना। एक बात याद रखें, इस वक्त पाकिस्तान का कोई अदारा इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो टेक ओवर कर सके, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने नाजुक, जफर लाइन साहब ने कहा ईस्टर्न बॉर्डर पे उनकी फोर्सेस इकट्ठी हुई हुई हैं। जी हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पाकी मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इमरान और फौज आमने सामने तो आ गए, लेकिन इसको लेकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट बड़ी चिंता में है। पाक एक्सपर्ट का कहना है, पाकिस्तान तो पहले से ही एक बुरे दौर से गुजर रहा है और अब इमरान और फौज के बीच टकराव से मुल्क तेजी से बर्बादी की ओर बढ़ रहा। हम दर दर पैसों के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कोई ना पैसे देने को तैयार है, ना ही हमसे मुलाकात के लिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तानी आवाम फौज के खिलाफ नारे लगा रही है। पाकिस्तान के लोग को तो ये भी सुनने में आ रहा है कि भारत अपनी फौज को बॉर्डर पर जमा कर रहा है और कुछ बड़ा करने वाला है, और हम आपस में ही लड़ रहे। दुनिया को यह देखकर हैरानी होती होगी कि एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां और फौज पाकिस्तान की बर्बादी तक के लिए तैयार, किसी को मुल्क से कोई मतलब ही नहीं। वीडियो इंटरेस्टिंग है, कृपया पूरा जरूर देखें। आप कैसे देखते हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं, और अब यहां से जहां पे हम पहुंच गए हैं पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? चीमा साहब, ये एक बदनसीब मुल्क का एक बदनसीब तीन दिन है आज। मैं सारी जिंदगी सोचता रहा हूं कि पहले वो बचपन में कहते थे पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, अब इस एज में मैं देखता हूं कि मुल्क जो है घंटों के हिसाब से चल रहा है, लेकिन अगले घंटे मिनट अब बड़े सेंसिटिव। जब कोर कमांडरों के घरों के ऊपर हमले हो रहे हो तो आप खुद अंदाजा लगा रहे कि वो उस कंट्री की डायरेक्शन क्या है। इकॉनमी आपकी जीरो, आप मांग मांग के कंट्री लोगों से मांग मांग के चल रहे हैं, कभी आप कराची बेचने की कोशिश करते हैं चाइना के सामने, कभी उनसे आप सी पैक कहते हैं वापस आ जाओ, कभी कहते हैं ट्रेनें चला लो यहाँ पे, कभी ये कर लो कभी वो कर लो। ये जिस तरह आप खुद कई दफा कह चुके हैं बारोड इकॉनमी है, लेकिन ये कि इस वक्त दुनिया के पास पैसा ही नहीं है आपको दे सके। दुनिया खुद अपनी फिक्रों में पड़ी हुई है, यूरोप अपने एनर्जी क्राइसिस से डील करने के लिए काफी पेन में है, तो वो आपके ऊपर डॉलरों और पाउंडों की बारिश अब नहीं कर पाएगा। मुल्क बचाने की सकत है तो बचाएं, तो नहीं तो फिर अफगानिस्तान है, फिर वो कहते हैं अफगानिस्तान भी तो है ही ना, उसका भी झंडा है, तराना उसका भी है। कि अगर पाकिस्तान को आज बचाना है तो पहला फैसला क्या होना चाहिए, वो ये फैसला होना चाहिए कि आज शाम को अगले नए आर्मी चीफ का ऐलान होना चाहिए, उससे आपके 90% मिसाइल हल हो जाएंगे। आज जो ड्रामा हो रहा है या आज जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, नुकसान किसका है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है। लेकिन इन सारे लोगों में से इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी, ये लोटे पोटे, ये लौंडे लपाड़े, ये आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के बारे में? ये सारे हैं तो पाकिस्तानी ना, फ्रेंच तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? मुझे आप ये बताएं, आपको रशिया से गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है, आप एक एग्रीकल्चर कंट्री है। बल्कि मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा इन सबसे कि वो 300 टन जो आप मंगा रहे हो, जितनी वो गंदम का, पैसे किस तरह देने? पैसे तो आपके पास सिर्फ 7 बिलियन डॉलर है आपके पास, आपने मिलते किए जाके चाइना की, वो चाइना किस तरह दे? IMF की रिपोर्ट आ चुकी है कि उनके उनकी GDP जो है वो 40 साल में से लोएस्ट पॉसिबल लेवल पर है इस वक्त अपनी। दूसरा, उनको उन्होंने श्रीलंका में देख लिया, वहां पे क्या ड्रामा हुआ है, आपको पैसे वो किस तरह देंगे? आप तो आप मांगते तो फिर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं देना। वो शिवाज शरीफ साहब ने खुद कहा था कि मिडिल ईस्ट वाले तो मेरा फोन ही नहीं उठाते अब। तो मेरा मकसद है ये, फिर ये GT रोड पे जो ड्रामा हो रहा है इसको रोका क्यों नहीं जा रहा? अब आप बिल्कुल कहते ना, अब आप फूफ इस तरह उड़ने की जगह पे पहुंचे हुए। उसकी वजह यह है ना कि आपके हालात पहले ही घुटनों के बल हैं, 4 करोड़ आपका लोग जो है वो खुले आसमान के नीचे हैं। आज आप जिस जगह पहुंच चुके हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड इट। हिलाली साहब, क्या समझते हैं आप, सबसे बेहतरीन तजवीज़ क्या हो सकती है जो इस वक्त एक कैओटिक सिचुएशन पैदा हुई हुई है? इकोनॉमी खत्म हो गई है, रुक गई है। मैं गिजरी के नजदीक रहता हूँ, 400 मजदूर उधर बैठे होते हैं हर रोज अपने मजदूरी की तलाश में, मजदूरी का मतलब खाने की तलाश में, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। कब तक वो आएंगे, कब तक वो भूखे जाएंगे? सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कुछ एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है, शायद वो भी हो रहा है।
और कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ये जो हमारे खिलाफ लोग हैं ये एक मजहबी ग्रुप से आ रहे हैं, ये फंडोज हैं, ये उन लोगों के साथ हैं जो बिगट्स हैं। अब तक ये हो रहा है, आप मुझे बताएं कि अगर ऐसा ही चलता रहा इस किस्म का सिविल कमोशन स्ट्राइफ, और ये आप मुझे बताएं कि ये जो बजट आएगा किस एक पार्टिसन गवर्नमेंट जो हमें एक बजट देगी वही करेगी ना जो पहले गवर्नमेंट्स करते रहे हैं कि सब चीज़ जो खजाना में है खर्च दो इसलिए कि हमें क्रेडिट मिल जाए, और फिर उसके बाद जब उन दूसरों का आती है बारी तो उनके पास कुछ ना हो, IMF इन एक्शन आ जाए, इररिस्पॉन्सिबल एक्सपेक्टेंचर के ब्लेम आ जाए। तो खुदा के लिए डोंट यू नो कि अब इस वक्त एक्शन चाहिए, और क्या एक्शन वो हो सकता है? इदारों के दरमियान आई एम सॉरी कोई अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई कॉन्फिडेंस है नहीं। इदारे एंड गवर्नमेंट्स, इदारे एंड ऑपोजिशन, गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, उनमें कोई ये नहीं मैं देख सकता हूँ कॉन्फिडेंस है। एक बात याद रखें, इस वक्त पाकिस्तान का कोई अदारा इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो टेक ओवर कर सके, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने नाजुक, जफर लाइन साहब ने कहा ईस्टर्न बॉर्डर पे उनकी फोर्सेस इकट्ठी हुई हुई हैं, और ये आज की बात नहीं है, बहुत अरसे से ये रिपोर्ट्स चल रही हैं कि वो किसी ना किसी मौके की तलाश में है। ये इस वक्त जितने भी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं इनका मुंह पे ताले लग जाने चाहिए, इनको सीरियसली बैठ के सोचना चाहिए कि हमने करना क्या है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।